सबकी स्वागत है आप लोग का हमारे नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं लखनऊ और आज 30 अगस्त है और 31 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो हम भी रक्षाबंधन मनाने के लिए जा रहे हैं लखनऊ। और अभी हम लोग हाईवे पे ही हैं, पीछे आप लोग देख सकते हैं हाईवे के बगल में ही एक सुंदर सी जगह हमें दिखी, तो यहाँ से हम पानी भर रहे हैं पीने के लिए। ऐसी जो जगह होती है ना, नेचुरल एकदम, पेड़ पौधे, ऐसे नल हो, ऐसे गाय हो, ऐसे मिट्टी वाला घर हो, तो पूरा मन मेरा खुश हो जाता है देख के। यहाँ पे आती मैं फ्रेश हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? ओए मम्मा के घर जा रहे हो? इतना प्यारा है रख दे, गिर जाएगा, गिर जाएगा, भाग जाएगा तुरंत। कहाँ जा रहे हो? आओ खाओ, भूख लगी है। आराम से ऐसे नहीं। चल आज हम आए हैं भवरेश्वर महादेव मंदिर, जो लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव के बॉर्डर पर पड़ता है और बहुत ही प्राचीन यह शिव मंदिर है। और सावन में यहाँ पर मेला लगा हुआ था, हम सावन के बाद आए हुए हैं तो मेला देख रहे हैं। सब जो यहाँ पर मेला लगा था सब हटा रहे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। इसकी स्टोरी भी है इसके पीछे, इसका नाम भवरेश्वर महादेव धाम क्यों पड़ा हम आपको बताएंगे। पहले हम चलते हैं, दर्शन करके हम आ जाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। मंदिर के बाहर कुछ इस तरह का मार्केट लगा रहता है, बहुत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और पूरे सावन में यहाँ पे मेला लगा रहता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे भक्त आते हैं बाबा के दर्शन के लिए और सभी मन की मुरादें जो हैं उनकी पूरी होती हैं। और ये देखो, सावन ख़त्म हो गया फिर भी यहाँ पर भीड़ आप लोग देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ आज भी है। आज 29 अगस्त है, मंगलवार का दिन है, कल लास्ट सावन का सोमवार था, कल तो बहुत भीड़ रही होगी और आज हम आए हैं नेक्स्ट डे, लेकिन फिर भी यहाँ पे भीड़ बहुत है, ये आप देख सकते हैं। चलते हैं हम भवरेश्वर महादेव बाबा के दर्शन करते हैं, साथ ही आप लोग को कराएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। हमें पता है आपको बहुत आनंद आने वाला है बाबा के दर्शन करके। ये आप लोग देख सकते हैं भवरेश्वर बाबा का जो दिव्य मंदिर है, कितना विशाल है। अभी हम चलेंगे अंदर से, बाबा के दर्शन करेंगे और साथ ही आपको भी दर्शन हम कराएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पे लाइन से पूरा आगे से लेके पीछे तक पूरा यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट लगा है यहाँ पे, पूरा दुकान है हर चीज़ों की, फूल मालाओं की और हर चीज़ों की। यहाँ से हम आगे से हम भी डलिया लेंगे बाबा को चढ़ाने के लिए। नदी आप देख रहे हैं, एक बहुत प्यारी सी नदी बह रही है, ब्रिज आप देख सकते हैं, यहाँ से नदी बह के जा रही है। और यहाँ पे आप बोट देख सकते हैं, अगर हमें घूमना रहे तो इसमें बैठ के हम थोड़ा घूम भी सकते हैं। बहुत प्यारी नदी है और पानी बहुत क्लीन है इसका। अब यहाँ से हम थोड़ा जल भरेंगे, आशीर्वाद लेंगे और अपने भवरेश्वर बाबा को यहाँ से जल लेकर जाएंगे और चढ़ाएंगे।
भवरेश्वर बाबा के हम दर्शन कर चुके हैं और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो अंकल जी, हमें इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए, इसका इतिहास। भवरेश्वर नाम क्यों पड़ा, कोई तो इतिहास होगा इसका जी। हाँ, हम जानना चाहते हैं इतिहास इसका। यह है, यहाँ पर औरंगजेब बादशाह जो था, इस मंदिर को देख मंदिर वो तुड़वा देता था औरंगजेब बादशाह इस मंदिर को। इस मंदिर में भी उसने आक्रमण किया। अच्छा। जब उसने आक्रमण किया तो शिवलिंग को उसने खिंचवाया रस्सों से बंधवा कर, घोड़ों से हाथों से बंधवा कर खिंचवाया। जब वो शिवलिंग नहीं हिला तब तोड़ने उसने जी तोड़ने की बहुत कोशिश किया। हाँ, वो बहुत कोशिश किया। जब शिवलिंग हिला नहीं तब उसने शिवलिंग पर हथौड़े से इसमें हथौड़े चलवा दिए। तो उससे उस हथौड़ों से जो किरचे निकली उस शिवलिंग से, उसमें निकला रक्त और भंवरे उत्पन्न हो गए। अच्छा, तो भंवरे जी।
तो वही भंवरे औरंगजेब बादशाह की फौज को काटने लगे, जो जिसको भी वो काट लेते थे वो उसी जगह समाप्त हो जाता था। तो तब औरंगजेब बादशाह ने पीछे मुड़कर उसने प्रार्थना किया कि अगर ये आप में बहुत शक्ति है मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर तब फिर उसने यहाँ पर एक छोटा मंदिर बनवाया औरंगजेब बादशाह ने जी। अच्छा। बहुत छोटा गुंबदार मंदिर बनवाया था राज हमारे यहाँ सुदौली के तो वो सुदौली के राजा साहब की तबीयत खराब हुई तो रानी साहब ने मन्नत मानी कि अगर भंवरेश्वर तब इनका नाम भंवरेश्वर नहीं था तब इनका नाम था भीमेश्वर जी। जब भंवरे उत्पन्न हुए तब इनका नाम भंवरेश्वर हो गया। तब राजा साहब की तबीयत खराब हुई तो रानी साहब ने मन्नत मानी कि राजा साहब की तबीयत अच्छी हो जाएगी तो हम आपका एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवा देंगे। तो राजा साहब की तबीयत अच्छी हो गई, रानी साहब ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, इसी बोर्ड भी लगा हुआ है जी। ये पावर हाउस के पास खड़े बहुत अच्छा लगा। हम भी आए हैं जी, हम करौली शंकर महादेव दरबार से आए। अच्छा, और सुने हैं, जानते हैं करौली कानपुर में है, कानपुर में अपने गुरु के शिष्य हैं। 4 साल में हम गुरु जी के चरण में ही रह के हम अपना सेवा करते हैं। तो आप लोगों को ज्ञान तो आपको तो ज्ञान बहुत है, आप जानते हैं बताना नहीं, नहीं वहाँ रह करके आपने ज्ञान ऊर्जा और ये सब चीज़ों की भी बहुत ज्ञान है, थोड़ा नहीं है बहुत है मैं जब टीका लगाने जा रहे थे भैया तो मैं कहने जा रहा था कि आप भगवान भोलेनाथ के सिर पर टीका लगा रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ रह करके हम अब पढ़ाई कर रहे हैं कि अच्छी और गंदी ऊर्जा क्या होती है। लो जी, हम भगवान भोलेनाथ के पास आते हैं तो वहाँ कैसी ऊर्जा प्राप्त होती है, और हम किसी गंदे स्थान पर जाते हैं गलत जो जिसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठान नहीं हुआ है, ऐसे मंदिरों में जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको क्या प्राप्त होता है वहाँ से, ये सब चीज़ों का ज्ञान वहाँ से हमें मिल रहा है। और बाबा माँ की कृपा से इस चीज़ में हम साधना कर रहे हैं, हम साधना मार्ग पर हैं। वहाँ में हमारे गुरु जी ने हमें तंत्र साधना में दीक्षा दी और उसी में हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मैं तो आपसे आप 19 हैं तो आप 20 इसमें बता रहे हैं करेक्ट है, वो तो सही है। हाँ, आप 19 हैं, आप 20 जी है, आपके पास विद्या। आज तो हमें आनंद ही आ गया भंवरेश्वर महादेव बाबा के दर्शन करके, और अब इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को आनंद आ गया हमारा ये वीडियो देख के और भंवरेश्वर बाबा के दर्शन करके। और बहुत अद्भुत मंदिर है, इसका आपने स्टोरी भी जाना, जैसा कि यहाँ के महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ पर जो औरंगजेब था उसके द्वारा कई बार इस मंदिर पर हमला किया गया, तोड़ा गया, लेकिन जब शिवलिंग थी वो टूट नहीं रही थी, अब फिर बाद में उसने छीनी हथौड़े से उसे तोड़ने की बहुत प्रयास किया तो उसमें से जो शिवलिंग है उसमें से भंवरे निकलने लगे, और जितने भी यहाँ पे सेना आई थी औरंगजेब के द्वारा वो सभी लोग एक ही बार काटते थे ये भंवरे लोग, और उधर ही वो लोग ख़त्म हो जा रहे थे। तब से बाबा का नाम जो पड़ गया भंवरेश्वर महादेव बाबा पड़ गया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ऊर्जावान जगह है ये और स्वंभू शिवलिंग है, तो दर्शन के लिए आना चाहिए। और ये रायबरेली उन्नाव और लखनऊ के बॉर्डर पे ही पड़ता है, मेन रोड पे ही पड़ता है। ये हमारे गुरु की कृपा है कि जो हमें आज इनके भी दर्शन हो गए, और अभी भी सावन चल रहा है, 30 तारीख को सावन ख़त्म हो रहा है और सावन में बाबा की दर्शन हो गए, तो बहुत आनंद आ गया। इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप सभी को हरी हर, जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की, हर हर महादेव।